दंगल को सिर्फ स्पोर्ट्स फिल्म कहना गलत होगा। इस फिल्म में कई रंग है, लड़कियों के प्रति समाज की सोच, रूढ़िवादी परंपराएं, एक व्यक्ति का सपना और जुनून, लड़के की चाह, अखाड़े और अखाड़े से बाहर के दांवपेच, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना, चैंपियन बनने के लिए जरूरी अनुशासन और समर्पण जैसी तमाम बातें इस दंगल में समेटी गई है। फिल्म की स्क्रिप्ट कमाल की है और पूरी फिल्म बहती हुई एक मनोरंजन की नदी के समान है जिसमें दर्शक डुबकी लगाते रहते हैं। यह फिल्म पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन से प्रेरित है। बिलाली गांव में रहने वाला महावीर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। पहलवानी में उसने प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि तो कमाई लेकिन पैसा नहीं कमा पाया और इसी कारण उसे पहलवानी छोड़कर एक छोटी सी नौकरी करना पड़ी। महावीर ने सोचा कि अपने बेटों के जरिए वह अपने सपनों को पूरा करेगा, लेकिन चार लड़कियां होने पर उसने अपने सपने को पेटी में यह सोचकर बंद कर दिया कि लड़कियों का जन्म तो चूल्हे चौके और झाड़ू पोछे के लिए होता है। एक दिन उसकी बेटियां गीता और बबीता लड़कों की पिटाई करती है और यहीं से महावीर को महसूस होता है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। महावीर अपनी बेटियों गीता और बबीता को पहलवानी सिखाने का साहसिक फैसला लेता है और उन्हें चैंपियन बनाकर ही दम लेता है। फोगाट की कहानी बहुत ही दमदार और प्रेरणादायी है, जिसे निर्देशक नितेश तिवारी ने फिल्म के रूप में बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। यह दर्शाती है कि कुछ पाने की चाह के आगे साधनहीन होने की बात बौनी साबित हो जाती है। फोगाट को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ा, एक तो उसे अपना सपना पूरा करना था और दूसरा उस समाज से लड़ना था जो लड़कियों को कम आंकता है। फिल्म इंटरवल तक इतनी तेज गति से भागती है कि दर्शकों की सांसें थम जाती है। फिल्म का पहला सीन ही इतना लाजवाब है कि तालियों और सीटियों का खाता फौरन खुल जाता है। इसके बाद एक से बढ़कर एक सीन की निर्देशक नितेश तिवारी झड़ी लगा देते हैं, चाहे वो लड़का पैदा करने के टोटके हों, बच्चियों को पहलवानी का प्रशिक्षण देने के दृश्य हों, पिता की शक्ति हो, छोरियों के छोरों से कुश्ती लड़ने के दृश्य हों, सभी इतने बढ़िया तरीके से गुथे गए हैं कि दर्शक बहाव में बहते चले जाते हैं। कहानी को परत दर परत प्रस्तुत किया गया है और इंटरवल के समय सवाल उठता है कि निर्देशक ने इतना कुछ दिखा दिया है कि अब उसके पास दिखाने के लिए बचा क्या है। इंटरवल के बाद दंगल स्पोर्ट्स फिल्म बन जाती है। थोड़ा ग्राफ नीचे आता है क्योंकि स्पोर्ट्स फिल्में कमोबेश एक जैसी ही लगने लगती हैं, लेकिन जल्दी ही स्थिति संभल जाती है। हो सकता है कि कई लोगों को खेल में रुचि न हो या कुश्ती के बारे में जानकारी न रखते हो, लेकिन फिल्म का यह हिस्सा भी उन्हें पसंद आएगा। यहाँ पर बाप और बेटी के द्वंद को भी दिखाया गया है। गीता का नया कोच महावीर के प्रशिक्षण को खारिज कर देता है और गीता उसकी बातों में आ जाती है। पिता पुत्री के बीच कुश्ती का मैच फिल्म का एक शिखर बिंदु है, जिसमें वे दोनों शारीरिक रूप से कुश्ती लड़ते हैं लेकिन असली लड़ाई उनके दिमाग के अंदर चल रही होती है। आमतौर पर स्पोर्ट्स फिल्म में खेल दिखाए जाने वाले दृश्यों में मार खा जाती है, नकलीपन हावी हो जाता है, लेकिन दंगल में दिखाए गए कुश्ती के मैच इतने जीवंत हैं कि असल और नकल में भेद करना मुश्किल हो जाता है। फातिमा साना शेख ने युवा गीता का किरदार निभाया है और उन्होंने इतनी सफाई से कुश्ती वाले दृश्य किए हैं कि वे सचमुच की कुश्ती खिलाड़ी लगी हैं। इन कुश्ती दृश्यों को इतने रोचक तरीके से फिल्माया गया है कि सिनेमा हॉल स्टेडियम लगने लगता है और तनाव के मारे आप नाखून चबाने लगते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में जब गीता स्वर्ण पदक जीतती है और तिरंगा को ऊपर जाते देख जो गर्व का भाव पैदा होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नितेश तिवारी ने इस सीक्वेंस को बखूबी फिल्माया है। निर्देशक के रूप में नितेश की पूरी फिल्म पर पकड़ है। पहले हाफ में उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है, हंसते हंसाते उन्होंने गंभीर बातें कह डाली है। फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो आपको ठहाका लगाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करते हैं। खासतौर पर महावीर के भतीजे का जो किरदार है वो अद्भुत है। उसके नजरिए से ही दंगल दिखाई गई है और उसका वॉइस ओवर भी कमाल का है। आमिर खान तो अपने किरदार में पूरी तरह डूब गए, वे महावीर लगे हैं, स्टार आमिर खान नहीं। वजन कम ज्यादा उन्होंने इस रोल के लिए किया है, लेकिन केवल इसके लिए ही तारीफ नहीं बनती, ये तो कई लोग कर सकते हैं। उनका अभिनय भी तारीफ के योग्य है। पहलवानों की बॉडी लैंग्वेज और हरियाणवी लहजे को जिस सूक्ष्मता के साथ उन्होंने पकड़ा है वो तारीफ के काबिल है। अपने किरदार को उन्होंने धीर गंभीर लुक दिया है। उन्होंने नए कलाकारों पर हावी होने के बजाय उन्हें भी उभरने का अवसर दिया है। बाल गीता और बबीता तथा युवा गीता और बबीता बने कलाकारों का अभिनय भी प्रशंसनीय है। महावीर सिंह फोगाट
अपनी बेटी गीता को तभी शाबाश कहता है जब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतती है। ऐसी ही शाबाशी आमिर और नितेश के लिए फिल्म देखने के बाद मुंह से निकलती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ।